दुनिया तेजी से बदल रही है। नई नई टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन को और आसान बना दिया है। ऐसे में आने वाले समय में आपका सफर और सुहाना और सस्ता होने वाला है, क्योंकि देश में जल्द ही ई हाईवे यानी इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की तैयारी की जा रही है। हाल ही में एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान किया कि दिल्ली से मुंबई तक के लिए अलग से एक ई हाईवे बनाने की हमारी योजना है। नाउ दिस इज द फ्यूचर। द फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी इन द ट्रांसपोर्ट सेक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आवर प्लानिंग इज टू मेक ई हाईवे from Delhi to Mumbai as e-highway. Just like trolley bus, you can trust trolley trucks also. आइए e-highway यानी इलेक्ट्रिक हाईवे के बारे में जानते हैं विस्तार से। देश में इन दिनों प्रदूषण को कम करने और पेट्रोल डीजल से छुटकारा दिलाने के लिए कई पहलों पर काम चल रहा है। ऐसे में ई व्हीकल, ग्रीन हाइड्रोजन, एथेनॉल का मिश्रण आदि। इस पहल के तहत अब आने वाले समय में लोग ई बसें और ट्रक में भी सवारी करेंगे। इस बारे में केंद्रीय मंत्री ने कुछ दिन पहले भी बताया था कि हम नई इलेक्ट्रिक सड़कों को स्थापित करने की योजना बना रहे हैं। ईंधन के रूप में बिजली देश में उपलब्ध है, इसलिए बड़े पैमाने पर बिजली से चलने वाला परिवहन देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण समाधान है। आइए अब जानते हैं कि ये ई हाईवे क्या है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ई हाईवे एक सड़क है जो चलती वाहनों को बिजली प्रदान करती है, खासकर ओवरहेड बिजली लाइनों के माध्यम से। इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जिस तरह से ट्रेन के ऊपर से इलेक्ट्रिक वायर लगे रहते हैं और इसी के जरिए ट्रेन को पावर सप्लाई की जाती है, उसी तरह हाईवे के ऊपर तार लगेंगे और इनके जरिए वाहनों को बिजली पहुँचाई जाएगी। यही इनके लिए ईंधन का काम करती है। वैसे इलेक्ट्रिक हाईवे इलेक्ट्रिक गाड़ियों और दोपहिया वाहनों की तुलना में संभवतः इलेक्ट्रिक ट्रकों और बसों के लिए ज्यादा उपयुक्त है। वैसे यहाँ आपको बता दें कि फिलहाल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य अभी चल रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि इलेक्ट्रिक हाईवे के लिए एक अलग लेन बनाई जा सकती है। किलोमीटर लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक अलग ई हाईवे बनाने का प्रयास कर रही है, जहां ट्रक और बस 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा सकते हैं। पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम होगी, प्रदूषण में कमी आएगी और देश को परिवहन की एक नई व्यवस्था मिलने पर ट्रैफिक का दबाव घटेगा। भले ही भारत के लिए यह नई व्यवस्था होगी, लेकिन दुनिया के कई देशों में इलेक्ट्रिक हाईवे का इस्तेमाल पहले से ही किया जा रहा है। पश्चिमी देश जैसे जर्मनी और स्वीडन इसके उदाहरण हैं। प्रदूषण को कम करने और ईंधन बचाने के लिए दुनिया भर में ऐसे हाईवे को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज की वीडियो में इतना ही। देखते रहिए PBNS।